दोस्तों नमस्कार, मैं एक हमारे पास में भरतपुर के पास में एक सिंधनी गांव है, मैं यहाँ एक हमारी गुड़िया है उसके पास में आया हुआ हूँ। तो हाँ, एक हमारी गुड़िया है, उसको क्या कुछ परेशानी थी अस्थमा की। हाँ, तो आपका नाम क्या? पूजा। हाँ पूजा, सॉरी थी। अच्छा, आपको परेशानी क्या थी? बस अस्थमा की शिकायत थी आपको। अच्छा, कितने टाइम से आप दवाई ले रहे थे? अच्छा, 12-13 साल से दवाई ले रहे थे आप। अच्छा, तो वहाँ से क्या दवाई खाते थे रिलीफ आ जाता था कि मतलब दवाई चलती रहती थी आपको? तो डॉक्टरों ने जो दवाई दी आपको मेडिसिन वगैरह, तो आपको कोई फायदा नहीं आया वहाँ से? तो चलो, हमारी संस्था के बारे में आपको किसने बताया? अच्छा, आपकी भाभी जी हैं पास में। अच्छा अच्छा अच्छा, उन्होंने आपके लिए बताया कि वहाँ से आप दवाई ले लो, तो वहाँ से मतलब फायदा हुआ। तो चलो, आपने जो दवाई ली हमारे यहाँ से, तो आपने दवाई ली थी, एक तो इम्नोडॉक ली थी आपने, तो इससे आपको पहले सिर दर्द वगैरह कमजोर भी रहती थी, तो वो भी इससे कोई परेशानी नहीं आई आपको। आपने अभी वैक्सीन भी लगवाई तो उसमें भी आपको फायदा आया, ऐसे कोई परेशानी नहीं आई आपको, क्योंकि इम्यूनिटी पावर ही मिली आपको, है कि नहीं? तो अस्थमा में आपको कितना परसेंट रिलीफ आया है? 70% रिलीफ आया है। मुझे लग रहा है कि आपकी बीमारी यहाँ से खत्म हो जाएगी, है ना? एक तो हमने क्या है, इनको इम्नोडॉक दिया था, और एक साथ में इनको ये थंडरब्लास्ट दिया था, और उसके बाद में हमने इनको एक कफ डॉग दी थी साथ। ये हमने 3 प्रोडक्ट इनके लिए अस्थमा के लिए दिए थे। तो ये बताओ मुझे पूजा, कि हमें ये जो दवाई दे रहे हैं, तो ये हमारी जो संस्था की जो दवाई है, और लोगों को लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए? तो दवाई अच्छी है, कारगर है ये हमारी दवाई है। तो देखो, ये हमारी एक संस्था है, आयुर्वेदिक संस्था है, एसलिटीएस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड। तो एक हमारे गुरु हैं मिस्टर संदीप कुमार, उन्होंने एक सोच बनाई है हमारे देश के अंदर के बीमारी और बेरोजगारी को ख़त्म करने के लिए। तो मैं यही कहूँगा लोगों से, जितने भी हमारे जो देश में जो लोग हैं, क्या भनक रहे हैं इधर से उधर भटके हुए बेचारे, दवाइयाँ हॉस्पिटलों से लेके आते हैं, लेकिन होता क्या है, उनको रिलीफ नहीं मिल पाता है। हर एक आदमी कहता है दवाइयाँ महंगी है, तो आपको ऐसा लग रहा है कि दवाई महंगी है? नहीं, महंगी इसलिए क्योंकि आपको फायदा आ रहा है, तो महंगी तो हो ही नहीं सकती। तो देखो, अच्छी चीज़ होती है तो वो महंगी नज़र आती आती है हर एक आदमी को। और यहाँ पर क्या होता है कि हम क्या एक साथ में पैसा लेते हैं, इसलिए आदमी को महसूस होता है। अगर आप इसी अस्थमा का, हो सकता है कहीं आप जाँच भी करवाते या फिर डॉक्टर के पास में आप जाते रहते लगातार, तो वहाँ पर पैसा हमको नज़र नहीं आता, इसकी वजह से हमको ऐसा लगता है कि महंगी। चलो ठीक है, हम ये क्या अपनी संस्था के लिए धन्यवाद करते हैं हमारे संजीव सर को, कि बहुत अच्छी संस्था है हमारी ये, और हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमें जागरूक करना चाहिए। ठीक है जी, नमस्कार, थैंक यू।